उसमें सर्किट्स वगैरह कनेक्ट होके आते हैं, तो उसमें हमें इलेक्ट्रोड अटैच करके ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स में डिप करना होता है, एंड वी कैन गेट टू नो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये किस किस चीज़ पे बेस्ड है वही मैं आपको कह रही थी कि आपकी 11th 12th की थ्योरी है सारी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, एक डिटरमाइनिंग वाला इलेक्ट्रोड होता है, कंबाइंड इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, नर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एफ क्या है। नर्स्ट इक्वेशन में एफ क्या होता है बेटा, व्हाट इज एफ? एफ इज द फैराडे कांस्टेंट कॉन्स्टेंट। फैराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है? सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री होती है क्या? फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 96,500 कूलम्स नहीं होती? यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा जस्ट क्विकली गो थ्रू बिफोर योर वाइवा, जस्ट रीड थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इसका प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल, इसमें ना इंस्ट्रूमेंट देख के ही आप इसका फंक्शन जो है वो जान सकते हो, बट बिकॉज अभी हमारे पास वीडियो नहीं अवेलेबल कॉलेज के इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं इसकी हेल्प से ही आपको बस समझा देती हूँ। सबसे पहले हम पीएच मीटर को कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई के साथ, उसको स्विच ऑन करते हैं, फिर हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना होता है। जैसे आपके घर में सपोज यू हैव अ फीवर, यू यूज अ डिजिटल थर्मोमीटर और समथिंग लाइक दैट। अगर वो थर्मोमीटर ही कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो वो आपको गलत रीडिंग देगा, राइट? तो सेम वे पीएच मीटर भी जो है उसको भी आपको कैलिब्रेट करना होता है। तो कैलिब्रेट आप कैसे करते हो पीएच मीटर को? किसी भी चीज़ की हेल्प से। आप इसको बफर सॉल्यूशन की हेल्प से कैलिब्रेट करते हो। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये बफर सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे पास ना मार्केट में पीएच की टैबलेट्स आती हैं, डिफरेंट पीएच की टैबलेट्स आती हैं, जैसे कैप्सूल्स होते हैं ना उस तरह की टैबलेट्स आती हैं। तो ये हर पीएच की अवेलेबल होती हैं वैसे तो, बट 7 एंड 9 एंड 4 आर क्वाइट कॉमन। 7 इसलिए बिकॉज वो न्यूट्रल होता है, 4 क्योंकि हाईली एसिडिक, 9 हाईली बेसिक। तो इस टाइप की जो टैबलेट्स हैं ना ये काफ़ी कॉमन चलती हैं वैसे, अवेलेबल हर टाइप की होती हैं हर पीएच की। ओके, तो हम क्या करते हैं पीएच 4 की, पीएच 7 और पीएच 9 की ले लेते हैं टैबलेट्स, और उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं और एक बफर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें पता है कि उसका पीएच 4 है या 7 है या 9 है, तो ये हमें स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट को। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पीएच मीटर की टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है उससे हम टेम्परेचर जो बफर सॉल्यूशन का है, बेसिकली हम थर्मामीटर डाल के देखते हैं पीएच 4 में कितना टेम्परेचर आ रहा है, तो वो रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है जनरली। लेट लेट मी से के आजकल तो खैर 43 डिग्री पहुंच रहा है टेम्परेचर, लेट मी से दैट इट इज 35 और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो रूम टेम्परेचर सपोज 35 है, तो हम क्या करेंगे पीएच मीटर का टेम्परेचर कंट्रोल सेट कर लेंगे टू 35 डिग्री सेल्सियस। फिर हम इलेक्ट्रोड जो डिप करना होता है हमें सॉल्यूशन में, हम वो निकालते हैं क्योंकि तो हमने उसको स्टोर करके रखा होता है, उसको हम वॉश करते हैं अच्छे से डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ड्राई करते हैं टिश्यू पेपर के साथ, और फिर हम क्या करते हैं उसके पीछे ना एक वायर होती है, इलेक्ट्रोड एक वायर से कनेक्टेड होता है, वायर को हम इनपुट सॉकेट में, पीएच मीटर में एक इनपुट सॉकेट होता है उसमें कनेक्ट करते हैं और पीएच सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं 7 पीएच में। तो क्या रीडिंग आनी चाहिए बेटा? व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ द पीएच मीटर? CSE3, हेलो 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 बेटा, PH7 में इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हो तो क्या रीडिंग आनी चाहिए पीएच की इंस्ट्रूमेंट पे? न्यूट्रल मेरे बच्चे, डिजिटल डिस्प्ले होता है, क्या आना चाहिए पीएच? 7 नहीं आएगी ना? 7.00 आनी चाहिए, राइट? राइट और रॉन्ग? बच्चे कैलिब्रेशन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मींस स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे आप टाइट्रेशन में चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हो ना नोन नॉर्मैलिटी या मोलारिटी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, उसी वे में यहाँ पर आपके पास नोन सॉल्यूशन है जो पीएच 7 का है,
तो जब आप इलेक्ट्रोड को उसमें डिप करोगे तो रीडिंग शुड डिस्प्ले पीएच 7, ठीक है। बट इट सो हैपेंस कि कई बार क्या होता है, रीडिंग राउंड अबाउट 6.9 आ जाती है या 7.1 आ जाती है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो उसमें क्या करते हैं, पीएच पोजीशन पे ना एक फंक्शन का स्विच होता है, उसको हम पीएच पोजीशन पे लाते हैं और उसको उसके साथ एक नॉब होती है कैलिब्रेट की, तो हम कैलिब्रेट को करते हैं, यू नो नॉब को मूव करते हैं एंड इट शोज 7.00। यूजुअली इट कम 7.00 ओनली, बट एट टाइम्स इट कैन कम 6.9 ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस और यू नो नॉन कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेट करने का मतलब ही यही होता है, इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है। तो आप कैलिब्रेट को जब कंट्रोल को हिलाते हो, इस नॉब को यू नो मूव करते हो, इट शुड रीड पीएच 7। तो 7.00 जब डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है उस पे, देन व्हाट वी डू इज वी मूव द फंक्शन स्विच टू स्टैंड बाय पोजिशन। तो स्टैंड बाय पोजिशन पे उसको हम मूव कर देते हैं, क्योंकि अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड को रिमूव करते हैं बफर सॉल्यूशन से, उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं, फिर से ड्राई करते हैं और एक और बारी उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय कीपिंग इन द बफर सॉल्यूशन हैविंग पीएच 4। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सपोज आपके पास पीएच 4 की टैबलेट नहीं है अवेलेबल, पीएच 9 की अवेलेबल है, यू कैन डू दैट विद पीएच 9 आल्सो। बेसिकली हम एक न्यूट्रल सिलेक्ट करते हैं पोजीशन पीएच की और एक एसिडिक या बेसिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम दोबारा टेम्परेचर सेट करते हैं जो कि 35 डिग्री ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड देन अगेन वी ब्रिंग द फंक्शन स्विच टू पीएच पोजीशन एंड नाउ द डिस्प्ले विल शो व्हाट पीएच 4.00, क्योंकि हमने बेसिकली एक टेस्टिंग कर ली है न्यूट्रल से, हमने उसको टेस्ट कर लिया दैट वेदर इट इज 7 एंड नाउ अगेन वी टेस्ट इट, वी हैव कैलिब्रेटेड इट यूजिंग पीएच 7 एंड नाउ वी टेस्ट इट By putting a buffer of you know pH 4 or pH 9 के ये 4 या 9 read कर रहा है कि नहीं। अगर वो accurately 4 read कर रहा है जो कि वो करता है usually, so that means that your instrument is calibrated। ये बात सबको समझ में आई बच्चे? Have you understood this? Any doubt anybody? CSC3 नो मैम, नो डाउट। बेटा कैलिब्रेशन समझ में आ गई ना, पीएच 7 से हमने कैलिब्रेट कर दिया और पीएच 4 से हमने टेस्टिंग कर ली कि वो एक्यूरेट रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ इट इज कंफर्म्ड दैट द इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड, इट इज यू नो वी कैन यूज इट। अब हम क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रोड जो है उसको दोबारा से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ। बेसिकली हम किसी भी पीएच के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रोड निकालते हैं ना और दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं, उसके इन बिटवीन हमें उसको वॉश करना पड़ता है डिस्टिल वाटर से। क्यों? क्योंकि आयंस जो हैं एक पीएच के वो मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे पानी लगा हुआ हो सकता है उस पर्टिकुलर पीएच का, और जब आप दूसरे पानी में उसको डिप करोगे ड्रिंकिंग वाटर सैंपल में वो मिक्सअप हो सकता है, ठीक है। तो एवरी टाइम व्हेन वी आर चेंजिंग द इलेक्ट्रोड वी आर पुटिंग इट इन डिफरेंट सॉल्यूशन, इन बिटवीन वी हैव टू वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर। अब हम क्या करते हैं, एक बार वॉश करके डिस्टिल्ड वाटर से, लेट मी से दैट वी हैव द फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर सैंपल, उसमें मैंने सॉयल मिलाया हुआ है, तो मैं फर्स्ट सैंपल में उसको डिप करूँगी, उसका टेम्परेचर सेट करूँगी, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अराउंड 35 डिग्री ओनली। नाउ सेट द फंक्शन सिलेक्टर स्विच टू पी एच, अगेन मैं पी एच की रीडिंग पे उसको लाऊंगी, तो जो भी पी एच की रीडिंग आएगी डिजिटल डिस्प्ले में आई एम गोइंग टू नोट दैट डाउन, ओके। So let me say there is a soil sample, suppose its reading comes around 6.5 or pH 5.5 or something like that, so I'm going to note down that pH. It's very very simple. Again I will take out the electrode, I will wash it with distilled water and I will dry it, I will put it in the second drinking water sample, I will take the pH of that, okay। इस तरह से मैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रीडिंग ले लूंगी सारे सैंपल्स का, 1, 2, 3, 4 जितने भी सैंपल्स हमारे पास हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव अ इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस, ओके, सो विच वी डोंट हैव राइट नाउ। देन कंडक्टिविटी पे आते हैं हम, कंडक्टिविटी भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है अपना कंडक्टिविटी मीटर, ओके। सो कंडक्टिविटी मीटर के हेल्प से अगेन वी डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट आयंस। सो व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कॉलरॉश लॉ,
व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीजें आपको थ्योरी में पूछी जा सकती हैं, जो कि अगेन आपके 11th 12th का पार्ट है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट यू नो ऑन योर ओन. नाउ कंडक्टेंस की अगर बात हो तो ये आयंस की वजह से होती है मेनली. और कौन कौन से आयंस की वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की आयंस की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस? इसमें कंडक्टिविटी सेल होता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है. इसको हम वॉश करते हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ और फिर KCl सॉल्यूशन के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ. उसके बाद हम पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं बीकर में और उसका टेम्परेचर नोट करते हैं. अगेन दिस इज़ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. फिर हम इंस्ट्रूमेंट कंडक्टिविटी मीटर को कनेक्ट करते हैं पावर के साथ, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, एट द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इसमें भी एक फंक्शन स्विच होता है, उसको हम चेक पोजिशन पर लाते हैं और एक कैलिब्रेट कंट्रोल होता है. अगेन CAL जो लिखा ना यहाँ पर, कैल कंट्रोल, कैल स्टैंड फॉर कैलिब्रेट ओनली. तो उसमें भी आपका कैलिब्रेट का स्विच था, इसमें भी कैलिब्रेट का स्विच है, बट इसमें इट इज़ एट द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो उससे हम क्या करते हैं, रीडिंग लाते हैं 1.000. उसके बाद हम सेल को, कंडक्टिविटी सेल को, इट लुक्स जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोड बट इट इज़ कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी सेल. उसको हम डिप करते हैं KCl सोल्यूशन में और टेम्परेचर नॉब से एडजस्ट करते हैं. KCl सोल्यूशन लेट्स से अगेन इट इज़ 35 degree, तो हम टेम्परेचर नॉब को लाते हैं 35 degree Celsius पे. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन आई जस्ट चेंज द व्यू. अगेन वी मूव द फंक्शन स्विच टू कंडक्टेंस पोजीशन, क्योंकि हमें रीडिंग लेनी है. ठीक है. और हम एप्रोप्रिएट रेंज देखते हैं. अब ये जो कंडक्टेंस स्विच है ना, इसमें क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट रेंज होती है. तो आप अगर अपना कंडक्टिविटी सेल डिप करेंगे किसी वाटर सैंपल में और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा, सपोज इट इज़ टोटली ब्लैंक, सो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टेंस वाली पोजीशन पे रेंज वाली स्विच को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट इट फॉल्स इन दैट पर्टिकुलर रेंज. कई बार आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो वो रीडिंग नहीं देता है. ठीक है. सो रेंज के साथ यूनिट्स लिखी होती हैं, उसी यूनिट्स और रेंज में हम रीडिंग्स को नोट करते हैं. नाउ आगे दोबारा बात आ गई कैलिब्रेट करने की. तो हमें सेल का सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है. और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास पूरा डेटा होता है बुक्स में और गूगल वगैरह पे. KCl सॉल्यूशन का डिफरेंट टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है सेल कांस्टेंट की. लाइक 25 डिग्री पे KCl की अलग वैल्यू होगी सेल कांस्टेंट की, 30 डिग्री पे अलग होगी, 35 डिग्री पे अलग होगी, 32 डिग्री पे अलग होगी. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस दिन का पर्टिकुलर टेम्परेचर देख के KCl सॉल्यूशन का हम उसकी सेल कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और एक सेल कांस्टेंट नॉब होती है इंस्ट्रूमेंट पे, उसको हम मूव करते हैं टू यू नो ब्रिंग इट टू दैट पर्टिकुलर रीडिंग, जो भी सेल कांस्टेंट दिया होता है KCl का एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. देन वंस वी ब्रिंग इट टू सेल कांस्टेंट पोजीशन एंड वी यू नो सेट इट टू दैट पोजीशन, तो हम क्या कहते हैं, नाउ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन कैलिब्रेटेड. अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं 100 ml ऑफ द डिफरेंट ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स. व्हाट वी डू इज वी टेक आउट द कंडक्टिविटी सेल फ्रॉम द KCl सॉल्यूशन. आफ्टर दैट वी वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन वी डिप इट इन द फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर सैंपल. इसमें भी हमें वही करना होता है जो हम pH मीटर में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड को वॉश करना होता है बिफोर यू नो डिपिंग इट इनटू एनी वाटर सैंपल. एंड दैट्स व्हाट वी डू ओवर हियर. And then we note down its conductivity. Similarly, हम 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी water samples हमारे पास हैं उसकी conductivity को हम note down कर लेते हैं और एक table बना लेते हैं. तो इसको आपने report कैसे करना है, इसको आपने 7A और 7B report करना है और इसमें आपने turbidity नहीं लिखना है. ठीक है. You don't have to write about turbidity in the aim. You just have to write about pH and conductivity. Is it clear, बेटा? I know without the instrument it is difficult to understand, but then what can we do about it? I'll just see to it if after some time I can get this video from the college, na, if somebody is going, the lab assistant or somebody. Okay.
ठीक है बेटा, रिपोर्ट का समझ में आ गया? आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, 7A और 7B लिखना है, इसको एक ही एक्सपेरिमेंट में ए और बी लिखना है, ठीक है? CSE 3 यस मैम। तो बेटा ये काम आप पॉजिटिवली नेक्स्ट वीक तक कर लो। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू मार्क योर फाइल्स, आई एम गोइंग टू चेक ईच वन ऑन गूगल क्लासरूम इन द लैब इटसेल्फ एंड मार्क योर फाइल्स आउट ऑफ 20, एंड उसके नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू होल्ड द इंटरनल वाइवा। ओके, चलो अटेंडेंस हो गई। बच्चे अटेंडेंस हो गई? कर लो बेटा, ले लो। और बाकी क्लासेस सही चल रही हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को कुछ? आज जवाब नहीं देना क्या मैम को? तो मैम सब सही चल रहा है। चलो गुड। चलो ओके बेटा, ओके एवरीवन, बाय बच्चे।